इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है, जहां कल तो भारतीय टीम न्यूजीलैंड टीम का एक विकेट लेने में भी असफल रही। हालांकि आज टीम को पहले सेशन में दो सफलता हाथ लगी है, लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसके बाद यूजर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय स्पिन गेंदबाज अश्विन का विवादों से पुराना नाता है, क्योंकि 77वें ओवर में रविचंद्र अश्विन का अंपायर नितिन मेनन से एक वाक्य के चलते विवाद हो गया। आखिर क्या है पूरा विवाद, उसे जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि भारतीय स्पिन गेंदबाज रविचंद्र अश्विन मैदान में कभी न कभी विरोधी टीम के फील्डर तो कभी अंपायर से भिड़ते और बहस करते नजर आते ही रहते हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके चलते अश्विन एक बार फिर चर्चाओं में आ गया। दरअसल बात 77वें ओवर की है। गेंद फेंकने के बाद अश्विन ने अपने फॉलो थ्रू में ही पिच क्रॉस कर ली, जिस पर अंपायर नितिन मेनन ने आपत्ति जताई। अंपायर की आपत्ति पर अश्विन भी अड़ गए, क्योंकि उनके मुताबिक सब कुछ नियमों के मुताबिक ही हुआ। कैमरे में दोनों की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई। अंपायर को अश्विन से दो शिकायतें थी। पहली ये थी कि अश्विन शायद डेंजर एरिया में आ रहे हैं, लेकिन टीवी रिप्ले में साफ पता चल रहा था कि अश्विन बड़ी समझदारी से डेंजर एरिया में आने से पहले ही क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी ये कि अश्विन के सामने आने से अंपायर को दिखने में दिक्कतें हो रही थी और इससे उनका फैसला प्रभावित हो सकता है, जिसके बाद अंपायर नितिन मेनन ने इस हरकत पर रविचंद्र अश्विन को 2-3 बार टोका। इस बीच दोनों के बीच बहस भी हो गई। आपको बता दें कि अश्विन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विलियम को शतक से रोकते हुए अश्विन ने भारत को पहला विकेट दिलाया। नए बल्लेबाज केन विलियमसन सेट न हो पाए, इसलिए कुछ नया करने की फिराक में अश्विन राउंड द विकेट बॉलिंग करने लगे। वहीं इस बहस की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारतीय टीम नितिन मेनन की अंपायरिंग से काफी नाखुश है, क्योंकि 73वें ओवर में अश्विन ने लेथम के पैड पर गेंद मारी। अश्विन और पूरी टीम ने इसे लेकर जबरदस्त अपील की थी, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया था। फिलहाल न्यूजीलैंड टीम 8 विकेट के नुकसान पर 282 रन पर खेल रही है और 63 रन से पीछे चल रही है। ऐसे में आज देखना ये होगा, क्या न्यूजीलैंड टीम भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने बढ़त बनाने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहे मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।